नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुंचे थे पदम मार्केट और वहां पर हमने उस मार्केट को एक्सप्लोर किया था। उसके बाद हमने बढ़ना शुरू किया था शीला विलेज की तरफ, जहां पर बीच में जाकर हमारी गाड़ी एक मोड़ पर अटक गई थी और बहुत सारी मशक्कत के बाद हम अपनी गाड़ी को, अपनी कैंपर वैन को वहां से निकाल पाए थे। तो अगर वो व्लॉग नहीं देखा हो तो ऊपर उसका लिंक आ रहा है, जरूर देखिएगा जाकर। और आज हम बताएंगे कि हम किस प्रकार पहुंचे शीला विलेज और वहां पे हमने नाइट होल्ड कैसे लिया, कहां रुके। सुबह उठ के जो शीला वाटरफॉल है वो इतना सुंदर है, तो वहां पर जाके हमें कैसा महसूस हुआ, ये सब आपसे साझा करेंगे आज के इस व्लॉग में। बस यही रोक लो सबको जाना है, यही सबको यही उतरना है। अच्छा थैंक यू। अरे थैंक यू तो तुम लोगों का, हमारी वजह से हमारी गाड़ी आ गई यहाँ तक। आप लोग नहीं होते तो आप लोग, हाँ हम लोगों की वजह से फंस गए ना। नहीं नहीं, आप लोगों की वजह से क्यों फंसा हम। चलिए तो ये कौन सा गांव है? शीला गांव। अभी हम आए हैं और यहाँ पर कहीं गाड़ी लगा के अगर रुक सकते हैं तो यहाँ भी वाटरफॉल से आके। हमारी गाड़ी में वैसे तो आपने देख ही लिया सब, रुकने रहने की पूरी, तो हमें इसको कहीं ना कहीं पार्क करना होता है, रुकना होता है। इधर कहीं पार्क कर सकते हैं, इधर ही पार्क कर सकते हैं। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ डिस्कशन ये तय हुआ कि आज रात को हम अपनी गाड़ी यहीं पार्क करने वाले हैं और शीला वाटरफॉल जाएंगे कल सुबह। तो चलिए पार्क करते हैं अपनी व्हीकल और शुरू करते हैं आज रात के शेष बचे हुए काम, जिसमें से एक ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा काम, खुद देखिए। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं गांव में और अपनी कैंपर वैन्स को हमने यहां पर सेटल कर दिया। यार आज जो सबसे बड़ा टास्क हमें पूरा करना है वो है वैन लाइफ की एक बहुत बड़ी सच्चाई, जो कि है कपड़े। तो हम शाम के, देखिए बजे हैं अभी 7 और हमें धोने हैं कपड़े, क्योंकि बहुत सारे इकट्ठे हो चुके, बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके, और उसके लिए हम कर रहे हैं अभी गर्म पानी और चलते हैं आज के कपड़े धोते, मतलब जो भी इकट्ठे हुए हैं वो कपड़े धोते और फिर कल आगे बढ़ेंगे यहाँ से एक नए गंतव्य की ओर। सो बातचीत करने के बाद गांव का एक परिवार था जो जिन्होंने नया मकान ऊपर बनाया था और उनका नीचे मकान खाली पड़ा था, उनके गांव के प्रांगण में ही हमने अपनी कैरवेंस को पार्क किया और उन्हीं के बरांडे में हम बैठकर आज अपने कपड़े धो रहे हैं। सो मैं कहता हूँ ना, मतलब एट टाइम्स बहुत ईजिली भारत का जो ग्रामीण परिवेश है वहाँ पर बहुत ईजिली सभी चीज़ें सहज रूप में उपलब्ध हो जाती हैं। तो बस आज रात को कपड़े धोना पूर्ण करना था और उसके बाद थक्के चूर होने वाले थे। सो हमारी रात्रि इसी प्रकार से आज काम करते करते हुई पूर्ण। अगली सुबह हमारी कैसे हुई देखिए। तो हमारी आज की सुबह हो चुकी है जांस्कार के इस गांव में जिसका नाम है शीला, और सभी उठ चुके हैं। विक्रम जी सर क्या कर रहे हैं? सर सोलर छत पे रखा है सर। ओ सुबह सुबह गाड़ी का डायरेक्शन थोड़ा अपोजिट था। हाँ हाँ, सोलर को छत पे रखना पड़ गया। ओके सोलर लगा दिया, बढ़िया बिजली आ रही है, हो गई शुरू। ये देखिए ये हैं फोल्डेबल सोलर पैनल्स जो अभी छत पे रखे हैं, इनको एक बुक की तरह ये फोल्ड होके अंदर आ जाते हैं और ये इसके सब डिवाइसेस। तो ये बैटरी हो रही है चार्ज, अभी बता रहा है 13.2 वोल्ट्स। क्या बात है सर, छोटी सी गाड़ी में सब कुछ आ जाता है अब। आज तो ये गांव हमारा खाली हो गया है पूरा सर। आज तो हाँ, वो दलाई लामा आए हैं तो पूजा है, तो सब लोग वहीं गए हैं, गांव के रखवाले हमें आज। सर मकान मालिक भी हमारे हवाले छोड़ के चले गए घर। अच्छा आप चाबी रख के चले जाना, क्या आप चाला वाला बंद करना, अपने आप चले जाना यहाँ। क्या बात है। और सामने देखिए कितने सुंदर खेत हैं, धूप इतनी अच्छी लग रही है, टेम्परेचर क्योंकि पर्याप्त डाउन था रात को, बहुत ही अच्छी धूप लग रही है। और
कल हमने जो कपड़े धोए थे आपको दिखाता हूँ, कितने सारे कल हमने कपड़े धोए। ये देखिए, ये लाइन से आपको जितने भी दिख रहे हैं ये सब कल रात को हमने धोए हैं। तो यार वैन लाइफ में ना कपड़े धोना एक बहुत बड़ा टास्क है। अंदर से दिखाता हूँ ये घर आपको। ये देखिए जी, इस प्रकार का लद्दाखी घर। ये देखिए, तो यहाँ पर विक्रम जी ने इनसे कोऑर्डिनेट किया था, मतलब हम कल जब आए थे तो विक्रम जी की बातचीत हुई एंड ही सेड कि भाई आप आराम से हमारे इस घर में गाड़ी लगा सकते हैं और यहाँ रुक भी सकते हैं, क्योंकि अभी ये लोग गांव में ही एक नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं। सो ये है देखिए, भारत में जो अतिथि देवो भव हम बोलते हैं वो बोलने के लिए नहीं होता, वो कृतार्थ हमारे कर्म में दिखाई देता है। तो चलिए जी, आज की सुबह की शुरुआत तो हो चुकी है, आगे की एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो ये सर जो आपके पीछे का रैक है, मतलब ये सफाई वफाई करते होंगे तो ये क्या बाहर आ जाता है? या बिल्कुल सर, बिल्कुल बाहर आ जाता है ये सर, बिल्कुल। ये सिर्फ इसमें बिजली का एक ही है, इसको हमें निकालना पड़ता है तो पूरा बाहर आ जाता है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है इसको निकालना, क्योंकि वरना अगर कोई अगर प्राणी चूहा हुआ आ गया, मुझे एक बार तो घुस भी गया इसके अंदर चूहा। क्या बात कर रहे हैं, एक बार घुस गया और उन्होंने बाल बच्चे दे दिए उन्होंने अपने। इतने सर 3-4 बच्चे और हम परेशान सर, रोज चूहा अंदर जाए बाहर निकले। और बाप रे, कभी कागज यहाँ पे गाड़ी में कुछ तो निकाला, पूरा रैक तो अंदर पार्टी हो रही थी। पार्टी, क्या बात है, अपनी फैमिली से मिलने रोज जाता होगा, भोजन वोजन अंदर था। हाँ हाँ बिल्कुल, एकदम पॉटी वॉटी करी होगी मस्त। वाह वाह वाह। तो कल रात को जो कपड़े सुखाए थे वो मतलब धोए थे, अब देखिए कितने सारे कपड़े हैं यार। सुबह भी दिखाया था। तो जी वैन लाइफ इज वैन लाइफ। अब कपड़े ये इतने सारे होते हैं वैन। ओ ओ, कौन साफ करेगा इनको, मतलब कौन तह करेगा इनको? अवनी मैडम, कोई काम नहीं है। अवनी, अवनी तुम्हें इसको तय करना है, ठीक है? ठीक है। तो देखिए हमारी बारी तो कल रात में निपट गई, अब आइए विक्रम जी की बारी। सर पहली बार धो रहे हैं या घर में भी? नहीं, धोते हैं कपड़े, मैं तो धो लेता हूँ। अच्छा आप धो लेते हैं? धो लेता हूँ। भाभी नहीं धो पाती है? भाभी नहीं धो पाती। चलिए हम धो रहे हैं कपड़े, आप धो रहे हमारे। अभी थोड़े से ही धो रहे हैं ना, जो आपका काम चल रहा है? जो काम चल जाए मेरा 2-3 दिन का, बस उतना ही, क्योंकि लाए कम। सर देखो टाट खा के भी सर कितना काम करना पड़ता है। कपड़े भी धो। तो देखिए आज हमने ये कस्टर्ड बनाया, अभी ये बच्चों को खिलाने के लिए चलते हैं। बहुत देर से मांग रहे हैं, मम्मा कस्टर्ड दे दीजिए, कस्टर्ड दे दीजिए। ये सात्विक और अवनी दोनों का है, मैं एक एक करके उठा के देखे आती हूँ उनको। ये लो कस्टर्ड, ये सात्विक को देना। फ्रूट क्रीम, आज तो पार्टी। ये चिड़िया की तरह मुंह खोल देती है। कैसा बना है? कैसा बना है? आया था मेरे लिए, सबने खा लिया पहले। ये है बोनस, बोनस जो एंड में बचा है। तो कोई नहीं है, कोई बस्ती है। ये क्या है? अब नहीं आगे चलो। ये कपड़े है ना गंदे मत करवाओ इनसे, बोलो सुपर अमी। तो आज सुबह के नाश्ते में हम बना रहे हैं साबूदाना। आप भी कहेंगे यार साबूदाना खूब बनाते हैं, पर थोड़ा सा हैवी होता है तो अच्छा लगता है, अच्छा रहता है। और अभी हमने आलू डाल दिए हैं, इसके बाद जाएगा साबूदाना।
तो ये हमारा एकदम बढ़िया शानदार साबुदाना बन के हो चुका है रेडी। तो चलिए इसको खाते हैं, स्नान करते हैं और फिर आज कहाँ जाएंगे ये आपको जल्द ही बताएंगे। तो चलिए मित्रों, अब हमने स्नान भी कर लिया है और अपनी गाड़ी को अभी इस जगह सामने पार्क किया है और इधर हम जाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल पे। एक और जो अच्छी बात इस गांव में मुझे दिखाई दी, देखिए हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान में आपको यहाँ पर हर घर पे वाकई तिरंगा दिखाई देगा। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब हम जो पर्व मना रहे हैं वो आपको पदुम तक दिखाई दे रहा है। देखिए हर घर पे आपको एक तिरंगा दिखाई दे रहा है। तो मैं अपील करूंगा आप सबसे भी कि अपने घर पे ज़रूर एक तिरंगा लगाएं। हम भी प्रयास करेंगे कि हमें कहीं से तिरंगा मिलेगा तो अपनी गाड़ी पे ज़रूर उसको लगाएंगे, पर ट्रैवल में लगाना गाड़ी पे वो कितना जायज़ है, मतलब कितना लीगल है ये मैं नहीं कह सकता। तो चलिए आपको लेके चलते इस गांव के एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल पे और विक्रम जी जा रहे हैं गाड़ी में अपने। अब तो देखिए कितने बढ़िया रास्ते से होते हुए हम सामने जो वाटरफॉल है उस तक जा रहे हैं। जगह तो यार यहाँ पर खूबसूरती एकदम फूट फूट के भरी हुई है, कूट कूट के बोलते हैं तो फूट फूट के भरी हुई है। ये देखिए कितना खूबसूरत, कितना रोचक रोमांचक दृश्य है। तो ये देखिए यार कितना खूबसूरत वाटरफॉल है और इसका पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सो यहाँ पर रुकना मतलब टाइम स्पेंड करना इतना अच्छा लग रहा है, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो हम हैं अभी यहाँ पर, सात्विक जी हैं यहाँ पीछे, है इतना सुंदर ये वाटरफॉल और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठ के समय बिताकर, ऐसा लग रहा है कि यहीं पर ही बैठे रहें, पर आगे जाना है तो समय की अपनी बाध्यता है। तो चलिए हमने आपको दिखाया यहाँ का एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, चलते हैं यहाँ से आगे। सो फाइनली शीला गांव से विदा लेकर हम आगे बढ़ चले जांगला की तरफ। जांगला में हमें जाना था, एक फोर्ट कम एक राजा का महल था वहां पर, और यार यहाँ के फोर्ट बहुत अलग होते हैं, मतलब हम क्योंकि राजस्थान में रहते हैं इसलिए वहाँ के फोर्ट की बनावट और यहाँ के फोर्ट की संरचना में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो आइए चलते हैं जांगला फोर्ट की तरफ, पर वहाँ पहुँचने से पहले हमें करना है अपना एक व्लॉग अपलोड। तो सबसे पहले ढूंढते हैं एक टावर, फटाफट व्लॉग अपलोड करते हैं और फिर बढ़ते हैं जांगला फोर्ट की तरफ। तो यार ट्रैवल में एक और जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है व्लॉग अपलोड करने का। देखिए अभी हमने लैपटॉप यहाँ लगा रखा है और सामने आपको दिख रहा होगा एक टावर लगा हुआ उधर, तो जस्ट अभी टावर के नीचे खड़े इस पर चेक कर रहे हैं कि अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड क्या आ रही है। अपलोडिंग स्पीड आनी चाहिए बेसिकली, तो अगर आती है तो यहाँ से फटाफट अपलोड करेंगे आपके लिए एक व्लॉग और आगे बढ़ेंगे जांगला। ठीक है सर, डन, ओके।
तो हम पहुंच चुके हैं जांगला मॉनेस्ट्री, ऊपर चलते हैं, हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये हम पहुंच चुके हैं मॉनेस्ट्री की पार्किंग ऑलमोस्ट, और भाभी जी का मिजाज आज कुछ ठीक नहीं है, भाभी जी तबीयत खराब है हमें ऐसा लग रहा है। आपकी ये मुस्कुराहट ना, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं। देखिए अभी भी कुछ नहीं बोल रही, मतलब सब समझते हैं, मतलब कोई कुछ नहीं बोले और ऐसे मुस्कुराए, मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब? सर इस मुस्कुराहट के पीछे क्या माने हम? इसका मतलब है घर-घर की कहानी। तो मित्रों जिस जगह को हम समझ रहे थे मॉनेस्ट्री, वो निकली है पैलेस। और दो दो बंदूकें चल रही है एक साथ, ये ऊपर है पैलेस। तो चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आपने उनसे भी तो पूछा था रास्ते में, जो वो मिली थी आपको स्कॉर्पियो, तो उन्होंने मॉनेस्ट्री बताया इसको? मैंने उनका जांगला मॉनेस्ट्री, उन्होंने भी हाँ बोल दिया। ओके, पर यही है, यही है, जो भी है, जो भी है यही है। सर हमारी बनी कब है 95 के बाद? क्या बात कर रही हैं? पता चलेगा झगड़ा कब। तो वैभव और सोनिया फिर ऐसे ही बताइए भाभी, ऐसे ऐसे आरोप लगाती हैं आप? सबूत है, बना होने, बने होने, हाँ तो वो बने होने का साक्षात सबूत है, वो बस जब बना बस वो ही बना। अच्छा, बिगड़ा ही बिगड़ा है। बाकी बिगड़ा ही बिगड़ा है, वाह जी वाह। तो ये देखिए, ये होती है कहानी घर घर की। हम हाफ रहे हैं अभी, और भाभी जी को मनाना है सबको मिलके आज। वो देखिए आज सर, आप फर्स्ट व्यू आप है ना, खोया पनीर की सब्जी बना देना। ओ सर सॉरी, कैंसिल। पत्ते पालक के लेके बना दीजिएगा। तो भाभी जी क्या पसंद है आपको खाने में? नहीं तो फिर आपसे वो बनवाएंगे, मैं बना दूंगी मटर। ये खुद कुछ कहीं है, ये लड़ाई का कारण मुर्गा तो नहीं है सर? हाँ, इन्हें खाने को नहीं मिला है आज, खिलाएंगे। कुछ तो है सर, ये देखिए अब आया सर पोज। जल दो, जल जीवन। बस सर अब कंधे पे हाथ आ गया ना, बस अब कोई दिक्कत नहीं है। उधर तो गले पे आता है। ओके सात्विक, पॉटी आ रही ना सही में? मम्मी कसम खाओ, मम्मी कसम, अगर तुमने झूठी मम्मी कसम खाई ना, इसी इसी पैलेस में मम्मा हो जाएंगी ढें। बोलो मम्मी कसम। राजा चाहता कैसे होएगा ऊपर? हाँ मम्मी कसम खा ली है भैया उसने, अब अगर उसने झूठी कसम खाई होगी, मम्मा नहीं ढहे होंगी, मम्मा होंगे आप ही के साथ, तो मरेंगे तेरे लिए। बताइए सर, ये तो नया सरप्राइज मिल रहा है हमें, ये तो पता ही नहीं था हमें, गले में पड़ी हुई है। हकीकत क्या होती है भाभी? भाभी तो वही होती है मशीन में। हकीकत, हकीकत क्या होती है? हकीकत और फसाने में फर्क होता है। क्या क्या होता है ये तो बताइए ना, घर जाके देखा सर मशीन कौन चलाएगा। सबसे पहले तो हम चलाएंगे सर। ये रास्ता देखिए यार, कितना सुंदर रास्ता है, मतलब क्या बात है सर, मजा आ गया देख के। हाँ ये राजा महल का होगा ऊपर, और यहाँ बाकी लोग रहते होंगे, बाकी रहते होंगे, सही बात है, उनके अवशेष हैं, उनके हैं मकानों के, करेक्ट। हाँ क्योंकि राजा अकेला तो कहीं होता ही नहीं था ना, तो पूरी राजा उसकी, हाँ मतलब उसके सेवक, सेवक और इत्यादि इत्यादि, उनके मंदिर उन्होंने बनाया होगा। बिल्कुल गोम्बा, अच्छा वो भी बुद्धिस्ट ही रहे होंगे है ना, ये सब बुद्धिस्ट ही राजा थे, नाम नहीं पढ़े जा रहे, सही बात है। तो बस ये अंतिम चढ़ाई चढ़ रहे हैं है ना, वाह। तो ये है राजा का महल, क्या बात है सर, कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से बढ़ते हैं ऊपर, ये है रास्ता अंदर जाने का, हटेगा साथ जी थोड़ा सा दिखाएं अंदर से, ये देखिए ये महल, अब तो अंदर तो लगभग अवशेष जैसे ही है,
बहुत ही कम उजाला है, ऐसी छोटी छोटी खिड़कियां, अंदर कुछ भी नहीं है। ये मेरी ही परछाई है जो आपको दिख रही है। बस सर, मतलब अंदर जाने का भी इन्होंने एंट्री बंद करके, पूरा पत्थर का बना हुआ है, ऊपर छत लकड़ियों की है। ये रास्ता रहा होगा। हाँ, ये रास्ता होगा मेन, जो लॉक कर रखा है। करेक्ट, इसमें भी टूट चुका है खिड़कियां बाहर। हाँ, मिट्टी का ही तो है ना सर, और इसका कोई रिनोवेशन तो कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल जगह हम पहुंचे। 10वीं शताब्दी का ये जो आप पीछे महल देख रहे हैं, ये बना हुआ है। तो 10th सेंचुरी का लद्दाख का एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जहां पर अभी हम खड़े हैं। ये एक छोटा सा परिक्रमा मार्ग जैसा है। ये क्या है सर, कुछ उधर दिख रहा है आपको? इधर तो सूरज आ गया वापस। अच्छा, वही है पीछे चारों तरफ। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ना, ये जो राजा जो होंगे उन सबके वो रहते होंगे यहाँ पर, कर्मचारी इत्यादि इत्यादि इत्यादि, खानसा में ये पूरी बस्ती, मतलब एक, अब तो खैर सब टूटी फूटी स्थिति में है। पर इन सबको देख के समझ में आता है, देखिए राजस्थान के किले देखेंगे तो बहुत भिन्न प्रकार के हैं, और लेह के किले तो बहुत ही अलग है। क्या बात है। हाँ, रास्ता है सर? नहीं। तो इस फोर्ट पे कुछ समय बिताने के बाद हमने फिर से नीचे उतरना शुरू किया, और अब क्योंकि शाम पर्याप्त हो चुकी थी इसलिए हमें ढूंढना था एक उपयुक्त स्थान आज रात के नाइट होल्ड के लिए। So, मित्रों, अभी हम जांगला जो फोर्ट है उससे वापस आए हैं, जा रहे हैं यहाँ की चेक पोस्ट, वहां जाके हमें पता लगेगा कि हमारी गाड़ी लिंकशेड होते हुए आगे लामायुरू जा सकती है या नहीं जा सकती, मतलब अकॉर्डिंग टू रोड कंडीशंस। तो एक बार वहां से पता करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे कि आज हमें यहीं जांगला रुकना है या फिर वापस पदुम जाना है। और क्या चाहिए सर, पानी और बिजली, बिजली अपने पास है ही, पानी तो यही है सर, ठीक जगह। पाइप बाहर आ जाएगी या गाड़ी अंदर करें? इधर पार्क कर दें गाड़ी, ठीक है। तो फिलहाल हो चुकी है रात, और आप सोच रहे होंगे यार रात कैसे हो गई, ये तो शाम को यहाँ पहुँचे थे। एक्चुअली आज हमें एक व्लॉग अपलोड करना था, और यार उसको जब हमने यूट्यूब पे अपलोड किया तो यूट्यूब ने उसका एक पार्ट म्यूट कर दिया, और हमें यहाँ से पीछे जाना पड़ा 20 किलोमीटर उसको री अपलोड करने के लिए। तो 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना, शंटिंग में आप समझ सकते हैं पहाड़ों में कितना समय ज़ाया हुआ होगा, पर हमारे लिए प्राथमिकता है कि समय पे हमारा व्लॉग आप तक पहुँचे, इसलिए बस जो अधिक से अधिक प्रयास होते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। और फिलहाल बन रहा है हमारी पेंट्री में आज रात्रि का भोजन, यार शॉर्टकट में ही बनने वाला है भोजन, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब मतलब समय भी पर्याप्त हो चुका है, लगभग 9 बज चुके हैं, और इनको चुन्नू मुन्नू को लग रही है भूख, सब में नहीं डाली, उधर उधर बिना मिर्ची के बन रहे हैं, है ना पुच्चू का बिना मिर्ची का, ठीक है। चलिए जी, तो भोजन ग्रहण करते हैं और आज के दिन को करते हैं संपन्न। कल सुबह हमारी कैसी होगी आपको अवगत कराएंगे।